गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। देश भर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुलायम सिंह को देखने के लिए गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में मुलायम सिंह यादव के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। हाल ही में मुलायम सिंह यादव के कुछ समर्थकों का वीडियो मेदांता अस्पताल में सामने आया, जिसमें कई कार्यकर्ता रोते हुए नजर आए। मेदांता में रोते हुए समर्थकों को समझाने के लिए अखिलेश यादव खुद वहां पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाया। वहीं मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए देश की राजनीति के तमाम दिग्गज चेहरे भी मेदांता अस्पताल पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक मुलायम सिंह यादव को मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे और यहां अखिलेश यादव से उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। भदोही के दुर्गा पूजा पंडाल में हुए अग्निकांड के मामले में झुलसे हुए पीड़ितों के इलाज के लिए डीएम और एसपी ने अपने एक हफ्ते की सैलरी को दान करने का फैसला किया है। इसके साथ ही इलाज के लिए करीब 10 लाख रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। डीएम ने जनता से अपील की है कि झुलसे हुए लोगों के इलाज के लिए आम लोग भी आगे आकर दान करें। रविवार को भदोही जिले के औराई कोतवाली क्षेत्र के नरथुआ में एक पूजा पंडाल में आग लग गई थी। इस घटना में 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 70 लोग अलग अलग अस्पतालों में घायल होने के बाद अपना इलाज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की सरधना सीट से पूर्व विधायक और बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम का एक विवादित बयान सामने आया है। संगीत सोम ने हाल में विजयादशमी के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राजपूतों को फिर से शस्त्र उठाना होगा, क्योंकि देश में एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसे लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही बारिश के बीच गुरुवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक दिवसीय मुकाबला कराया जा रहा है। बारिश के कारण इस मैच को 40 ओवर के लिए ही कराया गया है। बारिश के बीच मैच शुरू होने में भी देरी हुई है। इकाना स्टेडियम में इस मैच को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, लेकिन मैच वक्त पर शुरू ना हो सका। हालांकि बाद में मौसम साफ होने पर मैच को 40 ओवर का कराया गया और साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। यूपी के अयोध्या में 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार सरकार फिर से दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयारी कर रही है। सरकार के प्लान के मुताबिक दीपोत्सव में कुल 14,28,000 दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्रों की मदद भी ली जाएगी। वहीं अयोध्या में प्रशासन को भी सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करने के लिए कह दिया गया है। अयोध्या में हर साल दीपोत्सव के मौके पर लाखों दीप जलाकर भगवान राम के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल होते हैं।